हेलो डियर, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, और ये हिंदी का जो है चैप्टर वन है, और इस चैप्टर वन का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा, और इसके राइटर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। मैं बता दूं दोस्तों, इसे स्टार्ट करने से पहले बाबा साहब का ये दो लाइन जरूर अपने जीवन में याद रखें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जिसने पिया है उसने धारा है। तो ये दो लाइन अपने जीवन में जरूर याद रखें, शिक्षा ग्रहण करें, चाहे आप जिस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। तो डियर, मैं आपको सबसे पहले इसमें बता दूं जो हमारे बाबा साहब है, पहले उनके बारे में तो इंट्रोडक्शन हो जाए। बाबा साहब का जो जन्म है वो 14 अप्रैल 1891 के मध्य प्रदेश में हुआ दोस्तों, का 1891 में मध्य प्रदेश में हुआ, और वो एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। दलित परिवार मतलब जो काफी लोअर कास्ट में होता है, उनमें आपको उसका जन्म हुआ था। अब मैं बात करता हूं उनके शिक्षा के बारे में। भाई शिक्षा कहां से ग्रहण की? कहते प्राथमिक शिक्षा जो है अपने मतलब जो जिस जगह से बिलोंग करते थे वहां से ग्रहण की, उसके बाद हाई शिक्षा मतलब उच्च शिक्षा के लिए वो जो है अमेरिका जाते हैं। कहां? अमेरिका मतलब न्यूयॉर्क की बात हो रही है, और फिर वहां से जो है भाई ट्रेवल करते हैं लंदन का मतलब इंग्लैंड का, उस जमाने की बात हो रही है। तो सोचो हमारे बाबा साहब कितने बड़े मतलब आपको जो ये थे नहीं उस जमाने में वो याद चीज है, और ऐसा ना वो अपने स्कॉलरशिप की मदद से, ऐसा ना समझे कि बहुत सारा उनके पास पैसे होंगे, नहीं नहीं दोस्तों ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये आपकी गलत सोच है। अब मैं उस बात करता हूं कि वो जो है अपने शिक्षा मतलब ग्रहण करने के बाद क्या क्या चीज वो बने। वो तो बहुत बड़े अर्थशास्त्री बने, अर्थशास्त्री मतलब अर्थशास्त्र के बहुत बड़े समझो कि ज्ञाता थे वो, ठीक है ना। वो शिक्षावादी, वो उनका जो है विख्यात बनकर वो उभरे, और साथ में जो हमारे देश में क्या थे दोस्तों, वो वकील भी थे। हाँ जी, बहुत साल वकालत भी उन्होंने किया। हाँ, वकालत की भी डिग्री, भाई उनको इतनी डिग्री है आप मतलब कह नहीं सकते इतनी डिग्री उनके पास। हाँ जी, आज के टाइम में 4-5 डिग्री ले ले तो भाई एकदम काबिल बन के घूमता। सोचो उस जमाने में इतना डिग्री, ओहो। चलिए तो मैं आगे इसमें बात करता हूं। वो तीन जो है ना मतलब तीन व्यक्ति की वो प्रेरक थे, मतलब समझो कि उनको जो है बहुत ज्यादा मतलब उनका मतलब ये करने वाले थे, मतलब होता है ना जिसको कहते हैं ना भक्त कहते हैं, वैसा समझिए। जैसे महात्मा बुद्ध, नाम तो सुना होगा महात्मा बुद्ध, हाँ बुद्ध वाले जो होते महात्मा बुद्ध। दूसरे थे कबीर के बहुत बड़े वो उपासक थे। उसके बाद ज्योतिबा फूले, इनके जो है वो बहुत बड़े उपासक थे, मतलब उसको अपना आदर्श मानते थे। अब मैं बात करता हूं संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। तो संविधान की अगर मैं बात करूं तो ये संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, इसे अपने संविधान का जो है ना पितामह, पितामह मतलब होता है पिताश्री, पिता का दर्जा दिया जाता है। संविधान का पिता अगर कहा जाए तो अपना बाबा साहब को ही कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, अब आता है दिसंबर 1956 में, जब उनका दिल्ली में जो है दोस्तों मृत्यु हो जाती है। अब ये था बाबा साहब के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो आप लोगों को जानना बेहद जरूरी था। अब हम इनके रचनाएं के बारे में देख लेते, मतलब कौन कौन सी जो है वो पुस्तक लिखी है। तो इनकी जो पहली पुस्तक की मैं बात कर लूं तो दोस्तों ये है द कास्टेस इन इंडिया, देयर मैकनीज, और जो अभी जिस बुक से हम लोग जो मतलब जिस टॉपिक लिया गया है, जहां से ये स्टोरी लिया गया जो आज स्टडी करेंगे, उसे कहते एनी हेलेंस ऑफ द कास्ट। ये बुक सब जो है उसने लिखी, बहुत सारी बुक लिखी है, इत्यादि लगा दीजिए यहां पे ये चीजें। आइए अब कहानी को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये वर्ड का मतलब हम लोग जान लेते हैं, जो आपको बार बार आएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। नहीं, इसको जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। देखो श्रम का मतलब क्या होता है, मतलब शर्म करना, वो वाला लाज वाला शर्म नहीं, किसी भी प्रकार का आपको काम करना, वर्क करना। और विभाजन मतलब आपको हो गया विभाजित करना, नहीं मतलब ये। और उसमें जाति लगावा, तो जाति तो सब समझते, जाति प्रथा क्या होता है, मतलब जाति के नाम पर काम का विभाजन, मतलब श्रम विभाजन हो गया जाति के नाम पर। जैसे मैं अपने तरीके से एग्जांपल दूं तो बोलेंगे सर जैसे कोई अगर हजाम है तो उनका बेटा भी हजामे बनेगा, माँ के पेट से ही उसका तय कर दिया जाए कि बेटा वो आने वाले कल में हजाम बनेगा, चाहे उसके वो लायक हो या ना हो। या फिर कोई लोहार है तो उनका बेटा लोहार बनेगा, बरी है तो बरी, अगर ब्राह्मण है तो पंडित जी बनेंगे, जो आपको ये क्या कहते
थे राजपूत थे, मतलब तो वैसा चीजें अगर निर्धारित करना उनका, मतलब उस लायक हो या ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जाति के नाम पे शर्म का विभाजन। लेकिन अब देखो बाबू, उस टाइम में जाओगे ये बहुत ज्यादा, उस समय की बात करो बहुत ज्यादा होता था, आप जी नहीं पाते इतना होता था, वो हमारे बाबा साहब या उस जमाने के इंसान ही जानते हैं। अब तो बहुत कम होता है तो आपको पता नहीं चल पाता है, तो इसलिए इधर उधर आप सोच लेते हो। चलिए तो अब मैं मतलब आपको जो है बुक के अनुसार श्रम विभाजन का मतलब जानते हैं। देखिए श्रम विभाजन ये मनुष्य के प्रतिभा तथा इच्छा को नजरअंदाज कर देता है। हमारे बाबा साहब कहते हैं इनका मतलब, ये तो ऊपर वाला मैं अपने तरीके से आपको मतलब बताया था, उसे पेशा चुनने या बदलने की अनुमति नहीं देती है। मतलब किन को, मतलब उस इंसान की बात कर रही है। और उसके अनुसार जो है जन्म से पहले ही मतलब पेटवे में तय कर दिया जाता है कि बेटा तू क्या करेगा काम, तुझे बनना क्या है, तुम्हें करना क्या है, चाहे तू उस लायक हो या ना हो, चाहे उसमें तुम्हें रुचि लगे या ना लगे, बोलते ना उस काम में तुम्हें मन लगे या ना लगे, पहले तय कर दिया जाता। हाँ पहले होता था ना, आपके अब होता यूं था कि पहले राजा का बेटा, मतलब एक राजा जो है उनका जो वारिस होगा वही राजा बनेगा, चाहे चाहे वो राजा बनने के लायक हो या ना हो, चाहे वो लुल हो चाहे जो भी हो, मतलब राजा वही बनेगा क्योंकि वो उनका बेटा है। तो ऐसा, लेकिन बाबा साहब का मतलब जो सोचता है कि भाई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो मतलब आपको उस काम के प्रति लायक हो। तो ये चीजें था, तो ये हमारे बाबा साहब का मतलब ये सोचता, ये सभी का होना चाहिए भाई, जो उस लायक है, जो उस काम के लायक वही वो काम करे तो बेहतर है। नहीं, आइए अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट का, सारांश। सारांश का मतलब होता है इस स्टोरी का जो है, मतलब ये पूरी कहानी का मतलब क्या है, निचोर क्या कहानी में कहते हैं। तो हमारे बाबा साहब कहना क्या चाहते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं उजागर करते हैं। तो पहले इस कहानी में बाबा साहब का जो प्रसिद्ध भाई, ये जो है ना, ये आपको मैं कहता हूं ये प्रसिद्ध भाषण है जिसे आपको जो है एनी हेलेंस ऑफ कार्ड से लिया गया है। और ये जो है ना भाई, ये जो भाषण है, जो टैग जो भाषण दिया गया है, वो जाति पाती तोरक मंडल मतलब लाहौर में एक सम्मेलन था, वार्षिक सम्मेलन, वहां पढ़ने के लिए लिखा गया था। हाँ, लेकिन आज हम लोग उसे पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है उसे क्या करेंगे दोस्तों, पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूं, आइए जो भाषण बाबा साहब ने जो कहा है, मतलब जो बाबा साहब भाषण कहा है उसे हम क्या करते हैं समझते हैं। हालांकि इसको जो है आपको मतलब जो ये भाषण है इसको जो है मतलब इंग्लिश में था तो हिंदी में राइटर कोई और की है। ये चीज है, कहते बाबा साहब कहते हैं कि यह विडंबना की बात है कि इस युग में, मतलब अभी वाला जो युग चल रहा है ना, इसमें भी जातिवाद के मतलब समर्थक है लोग। हाँ जी, मैं पहले भी बता चुका, अगर बाबा साहब वाले टाइम में जाएंगे तो याद रखिएगा, बाबा साहब आपको पानी पीने की इजाजत नहीं थी, आप उस कुआं से पानी तक नहीं पी सकते हो अगर आप उस जात से हो तो, आप पढ़ाई तक नहीं कर सकते हो अगर आप उस जात से हो तो, ऐसा मैटर था दोस्तों। अगर आप दलित होते उस जमाने में, उस समय की बात कर रहा, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ जी, जैसे मैंने आजकल में भी एक न्यूज सुना था दोस्तों कि जो मटका है ना, मटका, उससे पानी किसी दलित बच्चे ने पी लिया तो उसे मास्टर मार मार के मार दिया था, मैंने ऐसा सुना था, ठीक है ना। ये चीज है, तो उस जमाने में ये बहुत ज्यादा हुआ, इतना ज्यादा कि आप सोच नहीं सकते। आप तो उसके नजदीक में बैठ, अभी भी बहुत ऐसा जगह पे होता है कि भाई कोई अगर दलित की बात कर जाए, उसके बगल में, आपके बगल में वो बैठेगा ही नहीं, तो जानता है कि बैठेगा यार कुछ बुरा मान जाएगा। हाँ, ये चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीजें का बहुत बड़ा मतलब उस जमाने में प्रकोप था, ठीक है ना। अब थोड़ा मॉडर्न हुआ है इंसान, थोड़ा इस सब चीज को समझ रहा है तो फिर ठीक है, और गांव घर में थोड़ा बहुत रहता है जाति, तो फिर वो चीज है। तो कहते हैं इनका पहला आधार की हम बात करते हैं, पहला आधार कहते हैं इसमें जो है कार्य कुशलता, मतलब जो आप कार्य कुशलता के लिए जो है श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, मतलब जरूरी मानते हैं अपने काम के लिए। और जाति प्रथा श्रम विभाजन का क्या है, एक रूप है। जाति प्रथा क्या, श्रम विभाजन का ही एक रूप है। कहते हैं कि जो आपको जो है इनके जो समर्थक है, मतलब जो इनके समर्थक है वो बाबा साहब में जो है ना, मतलब जो मतलब कुल मिला के जो जाति पाति के जो समर्थक है, बाबा साहब उनके जो है ना आपत्ति दर्शाते, मतलब आपको उनका विखंडन करते कि भाई आप ऐसा जो है ना करें। तो स्वाभाविक बात है भाई, आप मतलब जाति का मतलब इस तरीके से आप ये ना करें कि भाई आपको किसी को, दूसरे को ठेस पहुंचे, किसी को प्रॉब्लम हो। तो ये चीज़ है, ये बाबा साहब उनसे कहने के ही दुखी है। आगे कहते हैं बाबा साहब ने आपत्ति दर्शाई और कहते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ एक विभाजन का भी क्या करता माई डियर, रूप ले लेता है। हाँ जी, विभाजन का भी रूप ले लेता है। मैं जैसे बताता हूं, भारत में जाति प्रथा जो है ना, श्रम विभाजन ही नहीं बल्कि
विभाजित वर्गों को एक दूसरे से ऊंचा नीचा ये दिखाने में भी शो ऑफ करता है। हाँ, मतलब आपको जो है ऐसा कि भाई वो जाती है, अरे यार थोड़ा सा नीचा, मतलब ओ यार ये तो लोअर, मतलब ऐसा यार बैकवर्ड है, बहुत सारी बातें जो है मतलब आ जाता है कहने के। हाँ, बहुत सारी बातें आ जाता है अगर जाति पाति की, मतलब जाति की बात होती है तो। हाँ, ऐसा चीज़ें था, और उस जमाने में तो बहुत ज़्यादा होता था। मैं उस जमाना कर रहा हूँ, फिलहाल अगर अभी भी हो रहा है तो ये दुर्भाग्य की बात है, अगर अभी भी होता है तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है। और आज का भारतीय जो है श्रम विभाजन जातिगत पर आधारित है। अगर बच्चा माँ के पेट में हो, मतलब माँ के पेट में अगर बच्चा है उसी समय तय कर दिया जाता है। हाँ, मतलब उसी समय उनका श्रम विभाजन कर दिया जाता है, श्रम मतलब उनके काम का विभाजित कर दिया जाता है। ओ यार ये तो उस कुल में पैदा हुआ है, मतलब वो जो है ना अगर सुनार तो वो, ओ यार ये तो सुनार, मतलब उस जमाने में तो ऐसा ही होता था ना। अभी ना है कि भाई किसी का बच्चा कुछ भी हो, कुछ भी बन ले, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, नहीं। हाँ, पढ़ाई कीजिए, कुछ भी बन सकते हैं वो चीज़ें। और जीवन भर इसके चक्कर में माता पिता का जो आधार लेकर अपने पेशा का भाई निर्धारण कर लेता, वो चाहे वह उस पेशा में मतलब कुशल हो या ना हो, काम करने के लायक हो या ना हो, चाहे उसे उसमें मन लगे या ना लगे, लेकिन वो काम करता, क्योंकि वो जो है टैग मिला है अपने, मतलब क्या चीज, पूर्वजों के द्वारा, मतलब अपने जाति के नाम पर एक टैग मिला कि बेटा तुझे यही काम करना पड़ेगा, चाहे वो काम ना करने आए, भूखा क्यों ना मर जाए, फिर भी ये चीजें होता था दोस्तों। ये चीजें सोचो कितनी बड़ी चीज है ये। हाँ जी, अगर आप इसे ध्यान से सोचोगे ना तो बहुत बड़ी चीज है, और नहीं सोचने वाले के लिए तो कुछ है ही नहीं है। आइए बाबू बाबा साहब बात करते हैं कि जाति प्रथा द्वारा किया गया पेशा मतलब अरुचि, मतलब यार रुचि तो रहता नहीं है, नहीं व्यवस्था से करते मन दिल लगता नहीं है यार, तो किसी काम जो है मतलब किसी काम में कुशलता कैसे प्राप्त होगा, सक्सेस कैसे प्राप्त होगा, तू ये सोचो ना यार, जब तुम्हें मन ही नहीं लगता उस काम में। मैं नहीं बोलते ना, क्या कहता है कि भाई जिस काम में तुम्हें मन लगे वो काम करे, ये होता ना, आप कहते ना कि बेटा तुम्हें जो काम में मन लगता है, जो काम करना है वो काम तू कर, ज्यादा टेंशन उनसे मत ले, ये कहते बाबा साहब के जो है ना अनुकूल आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता भाईचारा होना जरूरी है। और आदर्श समाज में याद रखिए कि बहुविधों हितों के लिए जो है सबके समान भागीदारी होनी चाहिए, और इसी दूसरे, इसी का मतलब जो है ना दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। हाँ, अगर लोकतंत्र में भाईचारा ना हो तो लोकतंत्र कैसा, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है दोस्तों, मतलब एक शासन चलाने की पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः जो है दोस्तों सामूहिक जीवनचर्या, मतलब जीने वाला जो डेली का जीवनचर्या है, और इस रीति रिवाज जो वह हमारा समाज के सम्मिलित अनुभवों का एक आदान प्रदान का नाम है, इसे कहते हैं लोकतंत्र। हाँ जी, और यह जरूरी है कि अपने साथियों के प्रति प्रेम का भावना, सम्मान का भावना होना जरूरी है, वरना लोकतंत्र कैसा। तो लोकतंत्र में हमारा ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई अपने आसपास या अपने दोस्तों के प्रति, अपने समाज के प्रति जितना प्रेम हो सके, जितना मोहब्बत हो सके भाई आप निभा सकते हो, क्योंकि मोहब्बत जो होगा तभी आप जो है लोकतंत्र में आ पाएंगे, वरना नफरत से तो लोकतंत्र आप खड़ी कर नहीं सकते, नफरत से आप कोई चीज भी नहीं खड़ी कर सकते, ठीक है ना। हाँ जी, नफरत से सिर्फ युद्ध हो सकता है और कुछ नहीं। तो इसलिए तो ये हमारे बाबा साहब जो है ये स्टोरी में दोस्तों ये सब बातें कहते हैं। हाँ, ये सब बातें हमारे बाबा साहब ये स्टोरी में कहते हैं डियर। और यकीन माने अगर इन बातों को आपने ध्यान पूर्वक समझा होगा और अगर आपने पूरी स्टोरी को सुन लिया होगा तो मैं यकीन करता हूं कि आपको जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।